भी खेलों में भारतीय एथलीट भी पूरे दमखम से ताल ठोक रहे हैं। भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा 140 लोगों का सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ पेरिस आया है। इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशॉ पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ खान सामे और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। पेरिस से डीडी न्यूज के हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। इस बार एक बड़ा कदम उठाया और पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीटों के लिए सहायक स्टाफ भेजा। 140 सहायक दल को पेरिस में एथलीट्स की हर संभव मदद के लिए भेजा गया है, जो मैदान पर 2400 घंटे खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये निर्णय एथलीटों की जरूरतों और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशॉ पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आई थिंक दिस इज अमेजिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स I think players and support staff, coaches, ratio is almost the same. So I think I'm really, really grateful to the government. They have allowed so many support staff, personal coaches. Though we are not people, some people are not staying in village, but still being with the player, being with your student is that feeling if you are giving to your students, okay, I am there with you in Paris. That is something really, really good from the government side. 140 सहायक स्टाफ में से 67 खेलगांव में तैनात हैं। इस समूह में मुख्य रूप से कोच, टीम डॉक्टर, रिकवरी विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं, जो तत्काल और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। बाकी सहयोगी स्टाफ को खेलगांव के बाहर रखा गया है। इनमें अतिरिक्त कोच, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, स्पेयरिंग पार्टनर और मानसिक कंडीशनिंग कोच शामिल हैं। The two primary roles of support staff is, support staff in strength and conditioning aspect is, one is to prevent injuries. So the player doesn't have any injuries, so we make them prescribe exercise to them, so the injuries are not there. Second one, to enhance the performance. So the performance is based on sports to sports base, where in table tennis right now, we focus more on the stability, agility movement, endurance, strength and power. So that's the role. And the government has taken in a big support for the players as well, to get all the support staff here as well. भारत सरकार ने खेल गांव के पास होटल के कमरे बुक किए हैं और अतिरिक्त सहायक स्टाफ को दैनिक पास दिए गए हैं, ताकि ये विशेषज्ञ एथलीटों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार कर सकें, जिसके शुरुआती नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ का दल इन खेलों में भेजा, जो खिलाड़ियों से ज्यादा है। यानी 140 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य हर एरेना में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें सपोर्टिंग स्टाफ को भी और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिससे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। कैमरन सैंथल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।